गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 27 मई, शाम के बज रहे हैं 6:30 और दिन है मंडे का। सेशन बहुत ही धमाकेदार रहा है दोस्तों। आज निफ्टी तकरीबन 80 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल का नाम है शेयर एकेडमी, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। उम्मीद से भी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा ये चैनल। और आप अगर चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर सिंपल मैसेज कर दीजिए। हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे हमारे ग्रुप में। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि शेयर एकेडमी मार्केट में चल रहे दूसरे तमाम चैनल्स की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता है। हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद शेयर्स को पोजिशनल बेसिस पर खरीद की राय देते हैं। हम यहाँ नॉलेज शेयर करते हैं जिनमें मिनिमम पोजिशन वीकली बेसिस की और मैक्सिमम पोजीशंस होती है ईयरली बेसिस या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो फॉर्मेशन करने के लिए। और ध्यान रखिए, जितने लंबे समय के लिए हम शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए सलाह देते हैं, उतना ही लंबा हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन भी होता है। हम यहाँ पर 1 या 2% के लिए किसी भी शेयर में खरीद की राय नहीं देते। मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमारी शेयर्स में 10% तक की होती है। और फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है कि जो हमारे ये लाइव डिस्कशंस हो रखे हैं, लाइव सेशंस, इन्हें जरूर देखिए। जितनी बार आपको मौका मिलता है उतनी बार इन्हें देखिए, क्योंकि आज का ये सेशन भी हमारा लर्न टू अर्न सीरीज का 4th वीडियो है। और अगर हम आपसे कहें कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लौता वीडियो जो उन्हें बार बार देखना चाहिए, तो वो वीडियो है आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे, आपकी अपनी भाषा में, जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। और सीरियल नंबर 4 है लर्न टू अर्न सीरीज का वीडियो, और टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस क्या है। आप अब तक जो आपने वीडियोस देखे हैं फ्रेंड्स, उससे हमारा अंदाजा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, चार्ट कितने टाइप के होते हैं, और चार्ट देखते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो पूरे टेक्निकल एनालिसिस का जिस्ट है, वो है ट्रेंड एनालिसिस। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम जिस चीज के पीछे भागते हैं या जिस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो असल में ट्रेंड ही होता है। ओके, जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस वीडियो के लिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टाइगर, वर्जन है 2.5। बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हमने बताया है कि किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है मार्केट में जो अवेलेबल है, उनमें से पेड या फिर फ्री सॉफ्टवेयर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सारे सॉफ्टवेयर्स कॉमन हैं। शर्त सिर्फ इतनी अंतर आ जाएगा कि अगर आपके पास ट्रेड टाइगर है तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी काम करने की, बस। बाकी जो हम नॉलेज इस्तेमाल करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स में कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, और जिस चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट, और उसमें भी डेली कैंडलस्टिक चार्ट, यानी एक जो ये कैंडल है ये एक दिन के मूवमेंट को दर्शा रही है। हमारा ख्याल है कि अब तक आपने ये वीडियोस देख रखे। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, सो हमारी सलाह है कि इस वीडियो को यहीं पर रोकिए और इससे पहले लर्न टू अर्न सीरीज का वीडियो नंबर 1, 2 और 3 सीरीज से देखिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिए जो हम कहने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करना है, मार्केट में चलने वाले ट्रेंड को फॉलो करना। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई आखिर ये ट्रेंड क्या है, हमने तो आपको अभी तक बताया नहीं कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड और कुछ नहीं है, ट्रेंड को अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है दिशा, मार्केट की दिशा या फिर शेयर की दिशा। और दिशा कितनी तरह की हो सकती है? वैसे तो दिशाएं 8 तरह की होती हैं, बट मार्केट में दिशा सिर्फ 3 तरह की होती है। कैसी? एक तो है कि जब शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड, दूसरा जब शेयर ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड, और तीसरा जब शेयर कहीं नहीं जा रहा है, वो बस घूम रहा है एक दायरे के अंदर, यानी कि नो ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन जोन। अगेन एक बार हम दोहरा देते हैं आपको कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड जब शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड जब ऊपर से नीचे आ रहा है, या नो ट्रेंड जब शेयर किसी एक तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा बल्कि बीच में घूम रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट में जितने भी हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड फॉलोअर होते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड फॉलोअर सिस्टम ही है जिसमें हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये ट्रेंड हैं ये कितने टाइप के होते हैं। अभी जो हमने बताया आपको वो दिशा के आधार पर ट्रेंड बताए 3 टाइप के, अब टाइम के आधार पर भी ट्रेंड होते हैं।
जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सबसे पहला लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दूसरा मीडियम टर्म ट्रेंड और तीसरा स्मॉल टर्म ट्रेंड। नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? 1 साल या फिर उससे भी आगे का ट्रेंड, यानी पूरे साल भर शेयर कहाँ जा रहा है। दूसरा मीडियम टर्म ट्रेंड, यानी कि 6 महीने, मिनिमम 6 महीने से शेयर का जो मूवमेंट है वो किस तरफ रहा है। और सबसे लास्ट है स्मॉल टर्म ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, ये है 3 महीने के अंदर शेयर किस तरफ जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अलग अलग ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग होते हैं। जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए लॉन्ग टर्म का मतलब है पूरे दिन, सुबह खरीदना और शाम को बेच देना। ये जो ट्रेडिंग के आवर्स हैं, यानी 12 बजे के बाद के 3.5 घंटे और 9 बजे से 12 बजे तक के 3 घंटे, यानी तकरीबन 6.5 घंटे, उसके लिए 6.5 घंटे का मतलब है लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म का मतलब है उसके लिए 1 से 2 घंटे और शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 से 2 मिनट। तो हम यहाँ पर उन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम यहाँ वो टेक्निक सीखेंगे जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी जो शेयर एकेडमी की टेक्निक है वो। हमारे लिए लॉन्ग टर्म का मतलब होगा 1 साल या फिर उससे बड़ा, मीडियम टर्म का मतलब होगा 6 महीने अप्रॉक्सीमेट और शॉर्ट टर्म का मतलब होगा 1 से 3 महीने के बीच का पूरा अंतराल। ओके, अब जरा ध्यान से इस चार्ट को देखिए जो कि है हैवल्स का। अगर हम ये बात करें कि लॉन्ग टर्म चार्ट हैवल्स का किस तरफ है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? लॉन्ग टर्म चार्ट जो हैवल्स का वो अप ट्रेंड में है। ठीक, जरा दूसरी चीज ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर टाइम जबकि हैवल्स लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में था, बट इस पर्टिकुलर समय में अगर आप मीडियम या शॉर्ट टर्म की बात करते तो चार्ट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक, बड़ा चार्ट तो लॉन्ग टर्म का जो है वो पॉजिटिव है यानी अप ट्रेंड में है, लेकिन मीडियम टर्म का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब एक इंपॉर्टेंट नियम ध्यान से सुनिए, अगर शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, दो ट्रेंड के अंदर, यानी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट डाउन ट्रेंड और मीडियम टर्म चार्ट डाउन ट्रेंड है, तो शेयर में खरीदारी नहीं करनी है। हमेशा इस नियम को ध्यान रखिएगा, अगर शेयर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है तब शेयर में कभी भी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। यानी शेयर का चार्ट अगर देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ध्यान से देखिए ये चार्ट दिख रहा है, ये दिखा किधर जा रहा है, चार्ट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। ऐसे चार्ट्स में कभी भी खरीदारी नहीं करनी है। क्यों? ट्रेंड नेगेटिव हो गया है या ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है। 3 तरह के ट्रेंड थे याद है आपको, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड। सो ये क्या हो गया? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में शेयर में कभी भी खरीदारी नहीं करनी है, ये पहला नियम हमेशा ध्यान रखिए। क्यों? नुकसान से अगर आप बचेंगे तभी प्रॉफिट कमा पाएंगे। पहला नियम मार्केट में प्रॉफिट कमाना नहीं है, पहला नियम है नुकसान से बचना। आपने अगर 100 रुपये भी मार्केट में प्रॉफिट कमा लिया और 100 रुपये गंवा दिए, यानी नुकसान से आप नहीं बच पाए, तो आप 0 पर आ गए। लेकिन अगर आप नुकसान से बच गए, मार्केट में आपने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया था और अगर आप 50 रुपये के नुकसान से बच गए तो आप 50 रुपये के प्रॉफिट में हैं। ठीक, तो पहला नियम है डाउन ट्रेंड में अगर शेयर है तो कभी खरीदारी नहीं करनी है। दूसरा नियम, शेयर में खरीदारी करनी कब है? एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन जब आता है और उसके बाद जब शेयर ब्रेकआउट दे दे। अगर आपको कोई चार्ट ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपने जैकपॉट हिट किया है। अगर कोई शेयर ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन में हो और फिर ब्रेकआउट दे दे तो समझ लीजिए कि आपने जैकपॉट हिट किया है। और कौन सा है वो शेयर जिस शेयर के लिए हम चीख चीख कर कहते हैं कि माइथन एलॉय खरीदिए, माइथन एलॉय खरीदिए? क्यों? चार्ट देखिए, ऊपरी स्तरों से शेयर गिर रहा था, गिरने के बाद कंसोलिडेट होता है और फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, ब्रेकआउट। माइथन एलॉय दिखा, अब देखिए एशियन टाइल्स। नाउ जो भी फ्रेंड हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तो मजेदार चीज तभी है जब आप उदाहरण के साथ में सीखें। एशियन टाइल्स ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों से शेयर गिरा, कंसोलिडेट हुआ
और ब्रेकआउट देकर चलना शुरू हो गया। जब भी कभी भी आपको ऐसा लेवल मिलेगा कि अच्छा खासा गिरने के बाद शेयर ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट के पास आप शेयर को खरीद लें, ये समझिए कि आपने जैकपॉट हिट कर दिया है। उसके बाद शेयर के पास में 40 से 50% का रनअप कहीं नहीं गया है, आपको 40 से 50% का रनअप मिलेगा शेयर में। ये है सेकेंड नियम। थर्ड नियम, अगर आप ब्रेकआउट के पास में कोई शेयर नहीं खरीद पाए, मान लीजिए कि आपके रडार पर नहीं रहा वो शेयर, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है या आप शेयर एकेडमी से तब नहीं जुड़े हुए थे, तो किस शेयर में खरीदारी करनी है? हमेशा उस शेयर में जो लॉन्ग टर्म चार्ट पर, मीडियम टर्म चार्ट पर और शॉर्ट टर्म चार्ट पर बढ़ता हुआ है। जैसे एशियन टाइल्स के अंदर अगर आपको खरीदारी करनी भी थी तो आपको इन लेवल्स के पास में खरीदारी करनी है जब शेयर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। करंट लेवल्स पर अगर आपसे कहा जाए कि किन शेयर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो जरा आईजीएल का चार्ट देखिए। चार्ट दिख रहा है आपको, शेयर किधर जा रहा है? ऊपर। खरीदारी इन लेवल्स पर करनी है। और कितने महीने से? नीचे देखिएगा, यहां मंथ आ रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पिछले 6 महीनों से लगातार शेयर अप ट्रेंड में है। ये है शेयर खरीदने लायक। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास दो चॉइस हैं, आईजीएल का चार्ट देखकर खरीदना है और दूसरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट खरीद, कौन सा शेयर खरीदेंगे? आंसर समझ में आ गया आपकी? सो ट्रेंड है तीन तरह के, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक, हम ज्यादातर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चार्ट जो है शेयर का, वो पॉजिटिव होना चाहिए तो ही शेयर में खरीदारी करनी है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो खरीदारी नहीं करनी। अब बड़ी मजेदार चीज आने वाली है। अब हम आपको पूरा का पूरा 15 से 20 शेयर का एक बंच सामने सामने आपके एनालाइज करके दिखाएंगे और तब आपको एक आंसर पता चलेगा। अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं कि सर, हम जितनी भी क्वेरीज लेकर आते हैं आपके पास में, ज्यादातर क्वेरीज आप नेगलेक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये शेयर खरीदने लायक नहीं है। 10 में से 1 या 2 क्वेरीज में ही हम कहते हैं कि ये शेयर खरीदने लायक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभी आपको जब हम सारे चार्ट्स दिखाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए कि ट्रेंड क्या है। तीन तरह के ट्रेंड्स हैं मार्केट में। मार्केट का मूवमेंट ट्रेंड कहलाता है। अप ट्रेंड जब शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड जब ऊपर से नीचे आ रहा है, साइडवेज मूवमेंट जब शेयर कहीं भी नहीं जा रहा है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ये हो गए तीन तरह के ट्रेंड। उसके बाद टाइम होराइजन के आधार पर तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो कि 1 साल या उससे ऊपर, मीडियम टर्म ट्रेंड 6 महीने के अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिल्कुल शॉर्ट में 1 महीने या 3 महीने के लिए। खरीदारी कब करनी है आपको? जब ट्रेंड नीचे गिर रहा है या डाउन ट्रेंड है तब खरीदारी नहीं करनी है। सबसे पहला नियम है ये, मार्केट में लॉस से बचना सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, खरीदारी कब करनी है? एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन और ब्रेकआउट आ जाए तब खरीदारी करनी है। जैसा कि एग्जाम्पल है एशियन टाइल्स का, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। और सबसे लास्ट, अगर आपको यह नहीं मिल पाता है तो फिर ऐसे शेयर में खरीदारी करनी है जिसके अंदर अप ट्रेंड में हो, लॉन्ग टर्म भी, मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ठीक, अब हम एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स और देखना शुरू करेंगे कि आखिर कौन से शेयर्स हैं, कौन से चार्ट्स हैं और उन पर ट्रेंड एनालिसिस कैसे होती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर एक वेद वाक्य है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड के साथ काम नहीं किया तो आप मार्केट में लंबे समय के लिए फंसेंगे। तो हमेशा ट्रेंड के फेवर में ही काम कीजिए। ओके, ध्यान से देखिए। सबसे पहले उन शेयर्स को जिनको हम अवॉइड करने की लिस्ट में डालते हैं, हमने कहा एचईजी को अवॉइड कीजिए। क्यों? अब अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। चार्ट दिख रहा है एचईजी का, कहां जा रहा है शेयर? अब आप बताइए कि क्या आपको एचईजी पर खरीदारी करनी चाहिए? सेकेंड, ग्रेफाइट। लोग कह रहे हैं कि सर बहुत गिर गया है, सर खरीद लें क्या? दिख रहा है ये, आप बताइए कि आपको खरीदारी करनी चाहिए? टाटा मोटर्स, चार्ट देखिए, बताइए कि आपको खरीदारी करनी चाहिए? जेट एयरवेज, जब हम मुंबई में थे वहां से भी हमने एक मैसेज दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कि जेट एयरवेज के 8 प्लेन धूल खा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। सोचिए कि जिस कंपनी के 8 बड़े बोइंग प्लेन्स धूल खा रहे हों तो उस कंपनी की वापस रिवर्सल की कोई चांसेस हैं अभी? जो ये बिजनेस चैनल्स पर आप देखते हैं कि नहीं, जेट एयरवेज खरीद लो, निचले स्तरों से यहां से खरीद लो, बिल्कुल सोचना नहीं है, अपने नॉलेज पर भरोसा रखना है। और देखिए ट्रेंड, देखिए
मार्च 2018 से, यानी पूरा जनवरी 2018 से ट्रेंड देखिए, एक तरफा ट्रेंड, पूरे साल का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो क्या जेट एयरवेज खरीदना चाहिए? जवाब देते रहिए खुद ही, हमारे पास जवाब नहीं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। आर कॉम चार्ट देखिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए? आर पावर रिलायंस पावर, क्या खरीदारी करनी चाहिए? DHFL चार्ट देखिए, क्या खरीदारी करेंगे आप आज के इस सेशन के बाद? अगर मैं आपसे कहूं कि DHFL में खरीदारी कीजिए तो क्या आप खरीदारी करेंगे चार्ट देखने के बाद? अशोका लीलैंड, क्या खरीदारी करेंगे इन स्तरों पर? स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, पूछ पूछ के एकदम हमारी जान आफत में कर दी लोगों ने, मतलब हर दिन कम से कम चार लोग तो जरूर आते हैं, सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज खरीद लें क्या? खरीदेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को? चार्ट देखिए, माइथन अलॉय एशियन पेंट सभी छोड़ देते हैं। इंटरटेनमेंट जी लर्न, चार्ट देखिए कहां जा रहा है, खरीदेंगे? सन टीवी बोला बहुत गिर गया है सर, बहुत ज्यादा गिर गया, और कितना गिरेगा? खरीदेंगे सन टीवी को? चार्ट देख रहे हैं। डिश टीवी, शब्बीर जी अक्सर पूछते रहते हैं डिश टीवी के बारे में और हम अक्सर मना करते रहते हैं कि मत खरीदिएगा डिश टीवी। ये देखिए, ये वाला वो टर्म था जब शॉर्ट टर्म वीकली चार्ट स्टडीज लेकर हमने डिश टीवी में प्रॉफिट बनाया था अच्छा खासा, बट लॉन्ग टर्म में डिश टीवी खरीदेंगे आप? TV18 बताइए, खरीदेंगे इसे? हाथवे केबल्स देखिए चार्ट, जागरण प्रकाशन देखिए चार्ट, डेन नेटवर्क चार्ट देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये DB कॉर्प ये दिख रहा है, NDTV खरीदेंगे इसको? और अब अगर इन शेयर्स को आप नहीं खरीदेंगे तो ज़रा अब कुछ दूसरे और चार्ट्स देखते हैं। हैवल्स ये देखिए, क्या ये शेयर खरीदने लायक है? IGL, क्यों हम IGL को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि IGL खरीदना चाहिए? शेयर अकेडमी, क्यों IGL को अपना फेवरेट शेयर बना रखी है, क्यों इसे हम अपने पोर्टफोलियो शेयर के तौर पर रेकमेंड कर रहे हैं? MGL हिंदुस्तान यूनिलीवर, चार्ट दिख रहा है लॉन्ग टर्म का, देखते रहिए। ITC लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, निफ्टी बीज लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, माइथन एलॉय ये दिखा ब्रेकआउट, एशियन टाइल्स ये दिखा ब्रेकआउट, और देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो हमने रेकमेंड किया था, इसके अलावा एडवांस्ड एंजाइम, ये वो सारे शेयर्स हैं जो हमारे रेकमेंडेड शेयर हैं फ्रेंड। सो नॉलेज जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एशियन टाइल्स चार्ट देखिए क्या हो रहा है, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, ठीक। एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, एडवांस्ड एंजाइम, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, ठीक। सो सेशन आज का हुआ है फ्रेंड्स 18 मिनट का, और हमारा ख्याल है कि आपको ट्रेंड समझ में आ गया है। अब करना आपको इतना है फ्रेंड्स कि यहां से आपको स्विच करना है हमारे शेयर एकेडमी चैनल पर, जो लाइव स्ट्रीम वीडियोस हैं इन वीडियोस को खोलिए और 1.5 घंटे के इन वीडियोस को फास्ट स्पीड में चलाकर देखिए, और देखिए कि जब भी हम किसी शेयर को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं तो उसका चार्ट एनालिसिस हमने कैसे किया है, क्या उसके जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चार्ट्स हैं वो डाउन ट्रेंड में हैं इस वजह से हमने उसे मना किया है। ये एनालिसिस आपकी प्रैक्टिस है, और ध्यान रखिएगा कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप वाकई चाहते हैं कि जैसी एनालिसिस हम करते हैं और हमसे भी बेहतर एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन मीन्स नो नॉलेज। आपने अगर सीखा और अगर आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर उस नॉलेज को वो ज़्यादा दिन आपके पास में टिकेगा नहीं फ्रेंड्स। सो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है हमारा, जिसका क्वेश्चन था कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है और ये कैसे करनी है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये एक लौता वीडियो है जिसे अगर हमें कहना हो कि पूरे 45 वीडियोस की सीरीज में अगर एक वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबके सर का ताज होना चाहिए, वो वीडियो यही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और कुछ नहीं है बल्कि ट्रेंड को फॉलो करना है, सही ट्रेंड पकड़ना है और ट्रेंड को फॉलो करना। अब एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड, कॉन्ट्रा कॉल लेना एक क्वेश्चन है मार्केट के अंदर। जब टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं कि मार्केट की दिशा के विपरीत कॉल लेते हैं, वो काम बिल्कुल एडवांस लेवल का है, वो हम आपको तब सिखाएंगे जब आप बेसिक सीख जाएंगे। अभी हम आपको जितना सिखाते जा रहे हैं आप सिर्फ उतना सीखते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट काम फ्रेंड जरूर कीजिए,
हर वीडियोस में आपको हमारे लाइक बटन दिखता है, लाइक कीजिए चैनल्स को, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स जरूर दीजिए। जितनी मेहनत हम इन वीडियोस को बनाने में कर रहे हैं उसका 1% मेहनत लगेगा आपका कमेंट करने में। हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको क्या सीखने के लिए मिला और ये वीडियो या ये सीरीज क्यों आपको पसंद आ रही है। इससे हमें आगे आने वाले वीडियोस बनाने में मदद मिलती है कि हम उन वीडियोस की जो क्वालिटी है उसे कितना और कठिन कर दें या कितनी और सरल रखें जो आपकी आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप तेज़ी से सीखने लगेंगे तो हम जो उसकी क्वालिटी है उसे और उसमें डेप्थ दे देंगे, यानी कि क्वालिटी और कठिन करते जाएंगे ताकि आप तेज़ी से जल्दी जल्दी सीख सकें ज़्यादा चीज़ें। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो फिर हम उसकी क्वालिटीज़ को हमेशा डाइल्यूट रखेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे। इसलिए आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं चैनल को। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप चाहें तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। कैश अमाउंट सामने आपके स्क्रीन पर नंबर आता रहता है हमारा, जो कि है हमारा पेटीएम नंबर। आप चाहें तो कैश पेटीएम डोनेट भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और अगर ऐसा है सो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।